ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وشفينا وامامنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وقالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنه فقال القوم ما له ما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرب ما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم ذرها قال كانه كان على راحلته او كما جاء في الحديث मोहतरम बुजुर्गों दीनी भाइयों इस्लामी माओं और बहनों तकरीबन 15 दिन पहले मुझे ये उन्वान दिया गया था कि मसीला रहमी से मुतालिक आपसे गुफ्तगू करूं। अभी जो आपने मौलाना अब्दुल रहीम साहब से सुना इस्लाम में रिश्तेदारी की अहमियत, ये दोनों एक ही उन्वान है, कुछ फर्क नहीं है। सिला रहमी अरबी लफ्ज है और रिश्तेदारी उर्दू लफ्ज है, बल्कि अभी हदीस में आपने सुना खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमा दी। एक हदीस अभी उन्होंने बयान फरमाई, हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है अनल्लाह व अनर रहमान, मैं अल्लाह हूँ और मैं ही रहमान हूँ, खलकतुर रहीम, मैंने रहीम को पैदा किया, यही रहीम जिसको सिला रहमी से कहा जाता है, खलकतुर रहीम, मैंने रिश्तेदारी को पैदा किया, वह शकतु इस्महु मिन इस्मी, और इस रिश्तेदारी के नाम को मैंने अपने नाम से मुश्तक किया, यानी मेरा नाम रहमान है तो मैंने रिश्ते, मेरा नाम रहमान है, इस रहमान के लफ्ज से मैंने एक लफ्ज निकाल कर रिश्तेदारी का नाम रख दिया रहीम। सिर्फ इस एक हदीस से ये अहमियत वाज़े हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिश्तेदारी को क्या मकाम दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का मकाम और मर्तबा हम जानते हैं, उसके मसावी कोई इस दुनिया की कोई शय नहीं है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिश्तेदारी को अपने नाम से जोड़ा है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रिश्तेदारी या रहम ये कितनी बड़ी चीज है। मैं जो बातें अर्ज करूंगा सारी आयतें तकरीबन वही आएंगी जो अभी आपने तकरीर में सुनी है, इससे कुछ नया तो है नहीं, सब पुरानी ही चीजें हैं। सिर्फ मैं अपने अंदाज में अपने ढंग से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। इस जिम्न में मैंने एक आयत पढ़ी सूरह तूर की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतियों के बाहम गुफ्तगू का तस्किरा किया है। जन्नतियों को जब अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा और वो जन्नत की नेमतों से लुत्फानंदोज होंगे, जन्नत की एक अपनी जिंदगी है और हमेशा हमेशा की जिंदगी है, उसके बाद फिर जिंदगी का खात्मा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मकामात पर उसकी मंजर कशी की है कि जन्नत में जन्नती कैसे रहेंगे। बाज अहादीस में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जन्नतियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जन्नत में दाखिल करेगा तो उनका एक अलग एक हलका बनेगा, दोस्त अहबाब होंगे, रिश्तेदार होंगे और आपस में आरामदेह बिस्तरों पर बैठे होंगे,
बागात होंगे और उसके नीचे बैठकर गुफ्तगू होती रहेगी, नहरे जारी रहेंगी। ये सारी मंजरकशी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में किया है। सूरह तूर में एक जगह अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वो आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे तो कुछ लोग अपने जन्नत में दाखिल होने का सबब बताएंगे कि अल्लाह ने हमें जन्नत में क्यों दाखिल किया। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन। इस आयत करीमा में कहीं ये नहीं है या इससे आगे पीछे कहीं नहीं कि उन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ते थे तो अल्लाह ने हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, हम रोजा रखते थे अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। हालांकि ये भी जन्नत में दाखिल होने वाले ही अमल है, इसके बगैर जन्नत मिलेगी भी नहीं। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा तो जन्नत नहीं मिलेगी, अगर कोई जानबूझ कर रमजान के रोजे नहीं रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में यूं ही नहीं दाखिल कर देगा। ये जन्नत में दाखिल होने के असबाब और अमाल हैं, लेकिन वो लोग जन्नती अपने उन अमलों का तस्किरा करेंगे जिनको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है और हमने उसको नजरअंदाज रख दिया है। अहमियत तो नमाज की भी है, रोजे की भी है, लेकिन जिस बात का उन्होंने तस्किरा किया है उसकी जो अहमियत है वो हमारी आंखों के सामने पर्दा डाले, हमने पर्दा डाल दिया। क्या कहा, इन्ना कुन्ना कब्लु फी अहलिना मुशफिकीन, इससे पहले जो अल्लाह ने हमें जिंदगी दी थी दुनिया में तो हम अपने अहल वयाल में एक दूसरे के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आते थे, हम अपने अहल वयाल को जोड़े हुए रखते थे, यानी हम रिश्तेदारियां कायम रखते थे, इसकी बदौलत अल्लाह ने हमें जन्नत में दाखिल किया। ये कुरान करीम की आयत, इसी की आयत के जिम्न में अभी आपने वो आयत से वो हदीस सुनी जो अभी मौलाना ने बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बताइए कि जो मुझको जन्नत में दाखिल कर दे। ये हदीस जो मैंने शुरू में पढ़ी है उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अब देखिए इसमें तशरीह है, ताबुदुल्लाह अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकु बिही शैया उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, वा तुकीमुस्सलात नमाज कायम करो, वा तुतिज़्ज़कात ज़कात दो, वा तसिलू रहीम और रिश्तेदारी कायम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जन्नत में दाखिल होने वाला अमल ये है। अब ये अमल इसको अब तरतीब हम दे लेते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है उसको हम तरतीब में रखते हैं। क्या कहा है, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैया व तुकीमुस्सलात, ये तीन चीज अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई, ये तीनों अल्लाह का हक है। यानी जन्नत में दाखिले के लिए पहले अल्लाह का हक अदा किया जाए, अल्लाह का हक, अल्लाह का हक क्या है, उसकी इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए, ये अल्लाह का पहला हक है। अब इसमें फर्क ये है कि अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, इसका मतलब ये होता है कि आदमी अगर इबादत करता है तो वो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक भी करता होगा। जन्नत में दाखिले के लिए शर्त ये है कि अल्लाह की इबादत की जाए, शर्त यह है कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराए। एक आदमी पांच वक्त की नमाज पढ़ता है, पांच वक्त नमाजी है, रोजे रखता है, हज भी करता है, जकात भी देता है, सदका खैरात भी करता है और फिर सारे जिक्र अस्कार तिलावत सब कुछ करता है, लेकिन कहीं से अगर वो शिर्क करता है, अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक ठहराता है तो क्या ये सारे अमल उसको जन्नत में लेकर चले जाएंगे? इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर आपने भी शिर्क किया, लइन अशरकता, नबी को खिताब कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी को, लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, ऐ नबी अगर आपने शिर्क किया तो आपके सारे अमाल ज़ाय और बर्बाद कर दिए जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसी तरह ऐसे बयान फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, तुम अल्लाह की इबादत इस अंदाज में करो कि
कि तुम्हारी जिंदगी में कहीं शिर्क ना पाया जाए, तुम किसी भी मरहले में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। ये अल्लाह का पहला हक है। अब अगर कोई नमाज पढ़ने आता है मस्जिद में, पांचों वक्त की नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उसके गले में तावीज लटकी हुई है, उसके बाजू पे गंडा बांधा हुआ है, या कलाई पर काले लाल पीले धागे बंधे हुए हैं, ये क्या चीज है? इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क करार दिया है। मन तअल्लका तमीमतन फकत अशरका, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। एक सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल आपकी खिदमत में हाजिर में, आपने देखा कि उसके हाथ में एक कड़ा है, हमारे यहाँ धागे बंधे भी होते हैं, फला बाबा के फला मजार के और फला जगह के धागे बांधते हैं, कड़ा पहने हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझको फला फला बीमारी है, उसके लिए मैंने ये पहन लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर इसी हालत में तुम्हारी मौत हो गई तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाओगे। सोचिए, वो सहाबी रसूल क्या नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वो रोजा नहीं रखते रहे होंगे? क्या वो तिलावत नहीं कर रहे होंगे? क्या वो दूसरे नेक अमाल नहीं कर रहे होंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस शिर्क के साथ तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मगफरत नहीं करेगा, इसलिए कि वो खुद कहता है इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरे गुनाहों को माफ कर सकता है। आदमी जाने अनजाने में गुनाह करता है, कभी सगीरा गुनाह होते हैं, कभी कबीरा गुनाह होते हैं, बड़े गुनाह कर लेता है, जानबूझकर गुनाह करता है, कभी बेसमझे मुझे गुनाह कर बैठता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना मेहरबान है, इतना रहीम है कि गुनाहों को बख्श सकता है, माफ कर सकता है। इसकी कई मिसालें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अगर कोई नेक कोई अमल बहुत पसंद आ गया, किसी आदमी का कोई एक अमल पसंद आ गया, तो उसकी सारी खताओं को अल्लाह रब्बुल इज्जत उस अमल के जरिए से माफ कर देता है। ऐसी कई मिसालें हदीसों में मिलती है। गुज़श्ता आखिरी मरतबा जब मैंने खुतबा दिया था उसमें एक हदीस बयान की थी सही बुखारी की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था बनू इसराइल में एक औरत थी, बदकार औरत थी, बदकार और सानिया औरत थी। उसने देखा कि एक कुत्ता कुएं के पास पानी के लिए तड़प रहा है और जमीन को चाट रहा है। उस औरत को रहम आ गया, उसने अपना मोजा उतारा और कुएं से पानी निकाला और उस कुत्ते को पिला दिया, उसकी जान बच गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लाह ताला ने उसको बख्श दिया। सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह इतना मेहरबान है, इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। दूसरे गुनाहों को अल्लाह माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह उसका पहला हक है कि उसकी इबादत की जाए, इस शर्त के साथ कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। दूसरा हक क्या है? वह तो मुसलात, नमाज कायम करो। असल में यही दोनों हक अल्लाह के ऐसे हैं जिसको हमने फरामोश कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा कोताहियां हम इसी में करते हैं, ना हम अपने अकीदे का पासो लिहाज रखते हैं, हम इस बात का मुहासबा नहीं करते हैं कि कहीं हमारे अंदर शिर्क तो नहीं आ गया, कहीं हमारा तौहीद डगमगा तो नहीं गया, हम इस पर कभी गौर नहीं करते हैं। और फिर नमाज के ताल्लुक से तो हर कोई जानता है, बोलने की जरूरत नहीं है, कितना हम पीछे हैं नमाज में, हर आदमी इसका जवाब दे सकता है। मुअज्जिन पुकार रहा है पांच वक्त, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो रही है, हमारे कानों में अजान की आवाज आ रही है, लेकिन हम चौराहे पर, चौक पर, घरों पर, अपने बीवी बच्चों में, दोस्तों अहबाब में और तफरी गांव में हम बैठे हुए हैं, अजान हो रही है, नमाज हो गई है, कोई परवाह नहीं है। यह अल्लाह का हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हें अगर जन्नत में जाना है, जन्नत में दाखिल होने की तमन्ना है, तो अल्लाह का यह दो हक अदा करो, उसकी इबादत करो, इस शर्त के साथ उसके साथ शरीक न ठहराओ, और दूसरे तुकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। ये दो हक अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का हक बयान किया। अब उसके बाद दो हक अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बयान फरमा रहा है?
وتؤتي الزکات، زکات ادا کرو، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں ایک حق رکھا ہے غربا فقرا اور مساکین کے لیے، ایک خاص حصہ ہے، صاحب نصاب ہے تو اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے کہ اتنا حصہ یہ غربا اور فقرا کے لیے نکال دو، ان کو دینا ہی دینا ہے۔ تو یہ غربا اور فقرا کا حق یعنی حقوق العباد میں سے ہے، یہ بندوں کا حق ہے، دو حق اللہ کا، اب دو حق بندوں کا ہے جو جنت میں لے جانے کا سبب بننے والے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا حق غربا اور فقرا کو مال کی حیثیت مال میں دینا، یہ حق ہے بندوں کا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَتَصِلُ الرَّحِم، رشتے داری کو جوڑنا، تم رشتے داریوں کو جوڑو، یہ دو چیزیں بندوں کے حقوق میں سے، حالانکہ بہت سارے حقوق ہیں لیکن ان دو حقوق کو اللہ کے رسول نے جنت میں داخلے کا سبب بتایا ہے۔ اگر تم جنت میں جانے کا متمنی ہو تو یہ چار چیزوں کا کرنا ضروری ہے، جس میں دو اللہ کا حق اور دو بندوں کا حق۔ آدمی اگر یہ سب سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اتنی اہمیت رشتہ داری کی بیان کی ہے، اصل میں ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اور شرم بھی آتی ہے بیان کرتے ہوئے اس سے کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہماری رشتہ داریاں، ہمارا سب کچھ کھلا ہوا ہے، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ گھروں کی کہانی کیا ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے، ایک بہن اپنے سگے بھائی سے ناراض ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، بیٹا اپنے ماں باپ سے ناراض ہے، اور ایک رشتہ دار اپنے دوسرے رشتہ دار سے ناراض ہے، اور تم سب کے درمیان ایک خلیج ہے، دیوار کھڑی ہے اور توریاں پھیلی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم باہم مل جائیں، جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ہر کوئی کیا چاہتا ہے، زندگی کا دو ٹینشن ہے ہمارا، دو ٹینشن ہے، یہ دو ٹینشن ہمارا دور ہو جائے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ ایک کیا چاہتا ہے آدمی، کہ اس کی روزی روٹی میں برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے لیے دن اور رات لگا ہوا ہے، اپنے طور سے جدوجہد کر رہا ہے، پوری کوششیں کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے، اب اس اٹھ کر اب وہ تلاش معاش کے لیے نکل جاتا ہے، دن بھر وہ گھومتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، رات کو واپس آتا ہے، تھکا ماندہ ہوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور بیوی بچوں میں کچھ وقت اگر موقع ملا توفیق بھی تو گزارے، ورنہ سو جائے۔ اب دن بھر میں اس کو یہ سوچ نہیں آتی ہے کہ اس کے کتنے رشتے دار اس سے ناراض ہیں، اس کا بھائی کتنا ناراض ہے، اس کی بہن اس کے حق کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کو حق دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، ماں باپ کی خدمت کتنی کی جائے، ماں باپ اس کی خدمت کے لیے کتنا ترس رہے ہیں، یہ سوچ نہیں آتی ہے۔ آدمی دن بھر یہ سوچتا ہے کہ کیسے اس کی روزی میں اضافہ ہو، اس کا بینک بیلنس کیسے بڑھے، اس کے آمدنی میں اضافہ کیسے ہو، وہ یہ سوچتا ہے۔ دوسرا ٹینشن کیا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ اس کی عمروں میں اضافہ ہو، مرنے سے ڈرتا ہے آدمی، مرنے سے کہ ابھی یہ زندگی جو ملی ہے ابھی اتنی جلدی ختم ہو گئی تو کیا فائدہ، سوچتا ہے کہ اور لمبی عمر ہونی چاہیے۔ دیکھیے اب ایک آدمی ہے، اگر شکر ہو گئی تو کیا کرتا ہے آدمی، ہر قسم کی دوائیں کرے گا، شکر کا علاج، ڈاکٹر بتا دے گا یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، تو اس سے رک جائے گا، کیوں بھائی، اس کو زندگی چاہیے، زندگی چاہیے، اگر وہ میٹھا کھاتا رہے گا تو زندگی ختم ہو جائے گی، شکر بڑھ جائے گی، اٹیک آ سکتا ہے، مر جائے گا، یہ سوچتا ہے، وہ اس سے بچ رہا ہے۔ ڈاکٹر جس جس چیز سے روکتا ہے اپنے آپ کو روکتا ہے، عمر میں اضافہ چاہیے، عمر بڑھنا چاہیے۔ ابھی آپ دیکھیے کتنے لوگ آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے کتنے لوگ ہیں، کینسر جیسے عام مرض ہو گیا ہے، جدھر دیکھو جس کو دیکھو کینسر ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ کل پرسوں ناگپور میں تھے، جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے سے پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ ہماری جماعت کا ایک نوجوان، 32 سال کا نوجوان، دو تین اس کے بچے ہیں چھوٹے،
दो तीन बच्चे हैं, 32 साल का नौजवान, ब्लड कैंसर हुआ, 15 दिन के बाद उसकी वफात हो गई। सोचिए हम क्या चाहते हैं, हमारी उम्र बढ़ती रहे, उम्र में इजाफा हो। आखिर इसका इलाज क्या है, हम ये नहीं तलाश कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज हमें दिया है, इसका इलाज दिया है कि तुम्हारी रोजी में भी इजाफा होगा, तुम्हारी उम्र में भी ज्यादती होगी। रोजी में इजाफे के लिए हम क्या कर रहे हैं, या तो मेहनत मजदूरी करेंगे, या तो तिजारत करेंगे, या फिर सोचेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ माल और दौलत से नवाज रखा है, कुछ रुपया पैसा है, तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, लगा दिया जाए, उसमें हमें मुनाफा मिलता रहे। आज यही हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। आज लोग एक बड़ा कारोबार देख रहे हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है, उसमें हम लाख दो लाख रुपया अगर दे देंगे तो हर महीने हमें 5-6 हजार रुपया मिलता रहेगा मुनाफा, 8-10 हजार रुपया मिलता रहेगा। क्या है, इन्वेस्टमेंट। किस लिए, रिस्क में इजाफा हो, रोजी में बढ़ोतरी हो, यही सोचते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नुस्खा दिया है उस पर हमारी नजर नहीं जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी कहते हैं, समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मन सरहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही व अन युनसअ लहु फी असरिही फलयसिर रहीम। तुम में से अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसके रिस्क में इजाफा हो, रोजी में इजाफा हो, या उम्र में बरकत हो, अगर कोई ये चाहता है, फलयसिर रहीम, रिश्तेदारियों को जोड़े, रिश्तेदारियों को जोड़े। हमारे चचा अगर नाराज हैं, आगे बढ़कर हम चचा को सलाम कलाम कर लें, चचा जान ये गलती अगर मुझसे है तो माफ कर दीजिए। भाई हमसे नाराज है, छोटा है या बड़ा है, जाकर मिल ले, गले लग जाए, मिला ले, करीब ले आए, मुझको माफ कर दो, अगर कोई गलती है तो मुझको दरगुजर कर दो, गले मिल जाओ, मोहब्बत और उल्फत पैदा कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ये अगर आदमी करेगा तो उसकी रोजी में भी इजाफा होगा और उसकी उम्र में भी इजाफा होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में घूम रहे हैं, गली कूचे में दौड़ रहे हैं, कहां पर हमें रोजी मिलने वाली है ये तलाश कर रहे हैं, दुनिया में तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने घरों में दे रखा है, घरों में अगर हम तलाश करें तो हमें रोजी मिल जाएगी, हम वहां तलाश नहीं कर रहे हैं। हम तो बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारा दीन बहुत पाकीज़ा दीन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, दुनिया का सबसे सच्चा और अच्छा दीन है, हम ये बोलते हुए नहीं थक रहे हैं। लेकिन दीन की सच्चाई और दीन की अच्छाई हम उसको कबूल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जबानी दावा करने से क्या फायदा है। आज हम इतना निशाने पर है, आज अख्तियार हमें निशाना बनाए हुए हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा गैर मुहज्जब कौम हमें बताया जा रहा है। क्यों यह कहा जाता है कि आज मुसलमान बहुत बुरा है, मुसलमान हर गुनाह में मुलव्विस है, मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है। इस्लाम तो यह तालीम देता है कि सफाई, साफ सफाई, पाकिजगी आधा ईमान है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा गंदा मुसलमान नजर आता है। इस्लाम शराब को हराम ठहराता है, सबसे ज्यादा मुसलमान शराब इस्तेमाल कर रहा है। इस्लाम जुए को हराम कहता है, लेकिन जुए के मराकिस पर मुसलमान ज्यादा नजर आते हैं। इसराफ और तबजील फजूल खर्ची को इस्लाम शैतान का अमल बता रहा है, लेकिन शादी ब्याह में, खुशियों में हम सबसे ज्यादा हम ही फजूल खर्ची करने वाले नजर आते हैं। इस्लाम यह कहता है रिश्तेदारियों को जोड़ने में बरकत होती है, तो हम रिश्तेदारियों को काट रहे हैं। या ये है या नहीं है, वाकया है या नहीं है, ये सच्चाई है या नहीं, हर शख्स इस पर गौर करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस जिंदगी के दो सबसे बड़े टेंशन का हल बताया है। अगर तुम्हें ये टेंशन है तो उसका हल ये है कि तुम रिश्तेदारियों को जोड़ो। जिस दिन हम इसमें पहल करने लग जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हमें खुद ही नजर आ जाएगा कि हमें कैसे हमारी रोजी में बरकत हो रही है, रिस्क में कैसे इजाफा हो रहा है, हमारी उम्र कैसे बढ़ रही है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया ला युरद्दुल क़द्र इल्ला तुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकदीर लिख दी है, फैसला कर दिया है कि हर एक के साथ क्या होने वाला है, सब कुछ अल्लाह ने पहले ही लिख रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि आप उस तकदीर को कोई नहीं बदल सकता, जो अल्लाह ने लिख दिया है वो आप बदला ही नहीं जा सकता है, लेकिन अगर बदला जा सकता है तो दुआ के जरिए से बदल देगा। बंदा बहुत कसरत से दुआ करता है, बहुत दुआएं करता है, गिड़गिड़ाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तकदीर को बदल देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वला यजीदु फिल उमुरे इल्लल बिर, उम्र भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिख रखी है, मेरी उम्र अल्लाह ताला ने ये लिख दी है कि मुझे इतने साल इस दुनिया में जिंदा रहना है, लिख रखा है, मुझे इल्म नहीं है कि मेरी उम्र क्या है, लेकिन अल्लाह ने लिख रखी है। अब इस उम्र में इजाफा कैसे होगा, अगर मैं बहुत ज्यादा रिश्तेदारियों को जोड़ूंगा, सारे रिश्तेदारों से मिलूंगा, उनको करीब लाऊंगा और रिश्तेदारियों को बरकरार रखूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्र में इजाफा कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वला यजीदु फिल उम्र इल्लल बिर, एक दूसरे के साथ नेकी भलाई का काम ऐसा है कि उम्र में इजाफा होता है, उम्र में ज्यादती होती है। रिश्तेदारी या सिला रहमी, कोई दोनों में से कोई भी नाम दे लीजिए, ये ऐसा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद से उसको मिलाता है जो रिश्तेदारी को मिलाता है। और सोचिए कि अब इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मिलाए जो रिश्तेदारी को मिलाता है। रिश्तेदारी मिलाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ एक माजरत के मुआफी के एक कलमे के जरिए से आदमी अपने रिश्तेदार को अपने से मिला सकता है। अल्लाह से मिलना कैसा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना आसान रास्ता बता दिया है, अगर कोई किसी रिश्तेदार को मिला लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मिला देता है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये वही रिवायत जो अभी आपने सुनी है कि मन वसलहू वसलहुल्लाह, जिसने रिश्तेदारी को जोड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जोड़ देगा, और जो रिश्तेदारी को काटेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको काट देगा। एक ये रिवायत शायद आई है या नहीं, सही बुखारी और मुस्लिम की है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इन्नल्लाह खलकल खल्क, अल्लाह ताला ने सारी मखलूकात को पैदा कर दिया, सारी मखलूकात से की तख्लीक से फारिग हो गया, अब उसके बाद हत्ता इज़ा फरगा मिन खल्क़ी क़ालतिर रहीम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फारिग हो गया, तख्लीक से फारिग हो गया, तो रिश्तेदारी खड़ी हो गई अल्लाह के सामने, कहती है हाजा मकामुल आइज बिका मिनल कतिया, परवरदिगार क्या ये उस शख्स का मकाम है पनाह मांगने का जो रिश्तेदारी को काटता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि नाम, हाँ ये उस शख्स का मकाम है कि वो अल्लाह से पनाह मांगे जो रिश्तेदारियों को काटता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है अमा तरगीना अन असीला मन वसलक, रिश्तेदारी को खिताब कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि जो तुझको जोड़े मैं उसको जोड़ू, और वक्त 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 आओ मन कता के और उसको मैं काटू जो जिसको जो तुझको काटे। वो कहती है रिश्तेदारी भला या रब परवरदिगार हाँ मैं इस पर राजी हूं। काला फहु अलग, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि बस ये फैसला हो गया, ऐसा ही होगा, ये ऐसा ही होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि फकरऊ इन शिअतुम, अब तुम चाहो तो कुरान की ये आयत पढ़ लो, क्या है फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदु फिल अर्ज व तुक़त्तऊ अरहामकुम, ये अन करीब कुछ लोग हाकिम और बादशाह बनाए जाएंगे, बड़े बनाए जाएंगे और सरदारी मिल जाएगी, तो अब वो जमीन में फसाद बर्पा करने लग जाएंगे और रिश्तेदारियों को काटने लग जाएंगे। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं।
इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खदशा जाहिर कर दिया था कि इस उम्मत में यह बहुत बड़ा फितना जाहिर होगा और यह उम्मत इस फितने में पड़ेगी कि इसके उमरा, इसके हुक्मा, इसके सरदार और इसके बड़े ये भी रिश्तेदारियों को काटने लगेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इसको फरमाया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पेश फरमा दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत जो गुजरी है, ये वही उसी उसका मफहूम एक ही मफहूम की एक मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये हदीस है। अर्रहिमु मुअल्लकतुन मिनल अर्श, रिश्तेदारी अर्श से लटकी हुई है, अर्श से लटकी हुई है और वो बार बार कहती है कि अय अल्लाह जो मुझको जोड़ता है तू उसको जोड़ और जो मुझको काटता है तू उसको काट। ये रिश्तेदारी अल्लाह से बार बार यही कह रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो जाहिर बात है कि उसने दुआ कबूल कर रखी है, अल्लाह ने कह दिया है और इसका ये हक बता दिया है कि अब ये तेरे साथ ऐसा ही होगा जो तू चाहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी के साथ कहां तक निभाने की बात है इस पर भी गौर कीजिए। हम तो अपने जो अपने रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे दूर हैं, बहुत दूर हैं। दिलों में हसरत, बोक्स, इनाद, दुश्मनी, सारी चीजें लिए हुए हम जी रहे हैं और घूम रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, दीन रहमत और नबी रहमत का ये किरदार ये है और ये इसकी तालीम ये है। अगर रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारी का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, इस हदीस से अंदाजा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी खानदान के लोग सारे, मेरे जो नसब के हैं सारे खानदान के लोग ये मेरे दोस्त नहीं है। लैसु बिऔलियाई, ये मेरे दोस्त नहीं है। मेरा दोस्त कौन है? इन्न वलियल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह है। वसालिहुल मुमिनीन, और नेक ईमान वाले मेरे दोस्त हैं, औलिया हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आगे क्या फरमाते हैं, वलाकिन लहुम रहीमुन अबुल्लोहा बिबलालेहा, लेकिन ये जितने मेरे खानदान के लोग हैं इनसे मेरी रिश्तेदारी है और इस रिश्तेदारी की बुनियाद पर मैं रिश्तेदारी को निभाता रहूंगा, मैं रिश्तेदारी निभाता रहूंगा अगरचे वो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे औलिया नहीं है, लेकिन खून का रिश्ता है, इस रिश्ते को मैं कायम रखूंगा। हम क्या कर रहे हैं? हमारा भाई कलमा गो है, मुसलमान है, अल्लाह का नाम ले रहा है, सब कुछ है, लेकिन हम उसको काटे हुए हैं, अपने खानदान वालों से कटे हुए हैं, काटे हुए हैं, एक दूसरे से दूर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के बारे में कह रहे हैं, ये आपके खानदान के लोग मुशरिक थे। कौन था आपके साथ? अबू जहल था, अबू लहब था, और सारे मुशरिकीन मक्का जो आपके खानदान के रिश्तेदार थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इनसे मेरी रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी को निभाऊंगा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाजार में एक जुब्बा देखा, जो अरब जो लिबास पहनते हैं, लंबा जुब्बा होता है, कीमती जुब्बा था और खुशनुमा पोशाक थी, बहुत अच्छा था। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल आप ये खरीद लीजिए, ये जुब्बा आप खरीद लीजिए और जुमा के दिन आप यही लिबास जेब तन कर लिया कीजिए। जब आप जुमा के लिए खुतबे के लिए आए तो ये पहनकर आ जाएं, या आपके पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत सारे वफूद बादशाहों के आते रहते हैं, जब वो लोग आए तो आप ये पहन लिया कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नमा यलबसु मन ला खलाका लहु, ये एक ऐसा लिबास है, ये दुनियादारों का है, ये दुनियादार पहनते हैं, ये वो शख्स पहनेगा जिसके पास कोई दीनदारी नहीं है, दीन का कोई हिस्सा नहीं है, ये वो पहन सकता है, मैं नहीं पहन सकता।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। कुछ दिनों के बाद वैसा ही लिबास, वैसा ही एक पोशाक आपके पास हदिये में आ गई, किसी ने आपको हदिया कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिबास सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को हिबा कर दिया, सैयदना उमर फारूक के पास भेज दिया। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इस लिबास के बारे में तो आपने तो ऐसे ऐसे कहा था, जब आपने ये कहा था तो मैं ये कैसे पहन सकता हूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैंने इसलिए नहीं भेजा है कि तुम इसको पहनो, या इसलिए नहीं भेजा है कि तुम इसको बेच दो, इसको इस्तेमाल करो, इसके लिए मैंने नहीं भेजा है, किसी और को तुम हिबा कर दो, अपने किसी रिश्तेदार को दे दो। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने वो कीमती जुब्बा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला था मक्का में अपने एक मुशरिक भाई को हदिये के तौर पर भेज दिया। सोचिए, ये इस्लाम की तालीम है। मुशरिक भाई, मुशरिक भाई, अब इसका, इस रिश्तेदारी का एक और पहलू से आप गौर कीजिए। इस्लाम और शिर्क के बारे में आप अंदाजा लगाइए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे गज़वाए बद्र में मुशरिकी ने मक्का की सफ में थे, दुश्मनों की सफ में थे, किसी तरीके से वो बच गए थे और निकल गए, और बाद में जब मुसलमान हुए तो मदीना आए। उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, जंग के दौरान आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मैं चाहता तो आपको कत्ल कर देता, लेकिन आप बाप थे इसलिए मैंने छोड़ दिया। बेटा कह रहा है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का क्या जवाब था? बेटे, अगर तू मेरी जद में आता तो मैं तुझको माफ नहीं करता, मैं कत्ल कर देता। देखिए, बाप बेटे को ये कुफ्र और इस्लाम, कुफ्र और इस्लाम के दरमियान ये चीज है कि एक बाप इसका रवादार नहीं है कि अगर उसका बेटा दुश्मन में है तो वो बख्शा जाए, माफ कर दिया जाए, जबकि बाप बेटे का रिश्ता है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस कीमती लिबास को अपने सगे भाई को भेजा जो मुशरिक था। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने यह तालीम दी, रिश्तेदारी अपनी जगह पर है, उसको बरकरार रखना है और उसको उसको निभाना है, अब वो चाहे मुशरिक हो या मुसलमान। इस पर गौर कीजिए, ये सारी तालीमात हमने इनको फरामोश कर दिया। अब होता क्या है, सिला समझते हैं, रिश्तेदारी को छोड़ने का मफहूम हम क्या समझते हैं? अगर आप मुझसे रिश्ते, मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे से करीब हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी आपके करीब रहूं। अब मैं इसको सिला रहमी का नाम दूं, ये सिला रहमी नहीं है, ये सिला रहमी नहीं है। कि अगर कोई मुझसे अपनी रिश्तेदारी बताए और उस बुनियाद पर मेरे साथ उसने सुलूक करता रहे, अच्छा काम करता रहे, तो उसके बदले में मैं भी उसके साथ वैसा ही सुलूक करूं, ये सिला रहमी नहीं। सिला रहमी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल वासिलु बिल मुकाफी, जोड़ने वाला वो नहीं है जो बदले के तौर पर जोड़ता है। यानी अगर उसको कोई जोड़ता है तो जोड़ता है, तो यह जोड़ने वाला नहीं, यह सिला रहमी करने वाला नहीं है। वलाकिन वासिल, लेकिन जोड़ने वाला कौन है? अल्लज़ी इज़ा कुटियत रहमहु वसलहा, जब कोई रिश्ता काटता है तो यह आगे बढ़कर जोड़ता है, तो यह सिला रहमी करने वाला है। यह है सिला रहमी का मफ़हूम। हमारे यहां क्या हो रहा है, देखिए कितने अफसोस की बात है, मेरे घर में अगर कोई खुशी का मकाम है, शादी ब्याह है, मैं अपने बच्चों की शादी कर रहा हूं, सारे खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, ऐसा और अकरबा को मैंने जमा कर लिया, दावत दे दी, बहुत बड़े बड़े रुपये हम छाप लिए, दावतनामे खुशनुमा और बहुत खूब रुपया उसमें लगा दिया, सारे रिश्तेदारों को तकसीम कर दिया, गलती से कोई रिश्तेदार छूट गया, भूल हो गई,
जानबूझकर मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझसे भूल हो गई और कोई छूट गया। हम क्या करते हैं अब? अब मैंने नहीं बुलाया है तब पूरी जिंदगी के लिए वो रिश्ता कट हो जाता है। अब जब उसके यहां कुछ ऐसा मौका आएगा वो भी नहीं बुलाएगा। उसने नहीं बुलाया था, दावत नहीं दी थी, तो मैं क्यों बुलाऊं उसको? ये मिजाज है या नहीं हमारा? आप सोचिए, यही मिजाज है? या अगर कोई हमें शादियों में बुलाता है, एक आदमी अपनी ताकत के मुताबिक किसी घर में दो फर्दों को बुला लेगा या किसी को पूरे घर वालों को बुला लेता है, अपने ताकत के मुताबिक आदमी करता है। अब जब किसी और के यहां जब शादी ब्याह का मौका आता है तो वो क्या करता है? उसने मुझे ऐसे दावत दी थी, मेरे घर से सिर्फ दो लोगों को बुलाया था, तो मैं भी उसके घर वालों को सिर्फ दो ही लोगों को बुलाऊंगा। अगर उसने मुझे सारे घर वालों के साथ बुलाया होता तो मैं भी सारे घर वालों को बुलाता। ये मिजाज हमारा है, और ये मिजाज मोमिनाना मिजाज नहीं है, ये मोमिनाना किरदार नहीं है, ये ताजिराना किरदार है। एक ताजिर जो करता है वो कर रहे हैं, बदले के तौर पर हम ये कर रहे हैं, ये रिश्तेदारी का जोड़ना नहीं है। ये तो सिर्फ बदले के तौर पर हम कर रहे हैं, वो करता है तो कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिश्तेदारी जोड़ना ये है कि अगर कोई काटे तो तुम आगे बढ़कर छूटो, उसको जोड़ो, उसको बुलाओ। कितने लोगों के अंदर यह हौसला पैदा होगा इस हदीस के सुनकर कि अगर मुझसे कोई नाराज है तो मैं उसको आगे बढ़कर गले लगा लूं, उसको बुला लूं। कितना आज हमें दर्द होता है, दुख होता है, कितने आज हमारे भाई एक दूसरे से नाराज है। सिर्फ इस एक हदीस को सुनकर अगर हमने इस पर अमल कर लिया, यहां से उठने के बाद इस अज्म के साथ इस मस्जिद से बाहर निकलकर हमने ये अज्म कर लिया कि अब जाकर हम अपने भाई को मनाएंगे, अपने रिश्तेदार को मनाएंगे, हम उसको करीब कर लेंगे, तो ये जान लीजिए कि इस प्रोग्राम की कामयाबी है। और अगर ये जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं होता है तो इन ऐसी 10 मजलिसें आप कायम कर लीजिए, इसका कुछ हासिल नहीं होगा। क्या हम ये जज्बा रखते हैं? हम अपने रिश्तेदार को जोड़ें, हम अपने आसीस और अकरबा को अपने करीब लाएं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बुनियाद पर हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमारी बख्शिश करता है। बहुत मुख्तसर सा वाकया इन्होंने बयान किया है, अभी जो मौलाना ने बयान किया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, आप सोचिए, उस पर गौर कीजिए, इस वाकये पर आप गौर कीजिए, तदब्बुर कीजिए, कितनी असीम बात है कि एक ऐसा शख्स जिसका वजीफा दे रहा है उसका रिश्तेदार, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके रिश्तेदार थे और उनको वजीफा दे रहे थे, उनका घर खर्च चल रहा था, खाला साहब भाई थे हजरत मिस्ता रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी एक गलती पर कसम खा ली थी कि अब मैं इसका वजीफा नहीं दूंगा, कभी इसका वजीफा नहीं दूंगा, उस गलती पर कसम खाई थी। हालांकि गलती मामूली नहीं थी, आदमी समझ सकता है, मामूली गलती नहीं थी, और सैयदना अबू बकर का फैसला यह फितरी फैसला था। आप सोचिए, उस मकाम पर अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए, और हम अपने पूरे खानदान और मुआशरे के सारे मिजाज को सामने रखकर हम इस पर गौर करें हमारा मिजाज क्या है। किसी बाप की बच्ची है, जवान बच्ची है, लड़की है, शादीशुदा है, अगर कोई उसके ऊपर उंगली रख दे, कोई बाप उसको गवारा करेगा, बर्दाश्त करेगा, उसको माफ करेगा? सोचिए सही। और फिर उस पर गौर कीजिए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा है, जो सारे मुसलमानों की मां है, अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है, उन पर इल्जाम लगा है। कैफियत देखिए क्या है सही बुखारी में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म हुआ तो आप खुद रंजीदा हो गए, इंतहाई गमजदा थे, आपकी तबीयत नासाज हो गई थी। फैसला यह किया कि अपनी बीवी को मैके पहुंचा दिया, इसलिए कि हकीकत आपको भी नहीं मालूम थी, सच्चाई का इल्म आपको भी नहीं था कि मामला क्या है। अपनी बीवी को मैके में मां बाप के यहां पहुंचा दिया। दिन पर दिन गुजरते चले जा रहे थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी इल्म नहीं था, उनको भी नहीं मालूम था कि आखिर क्या हो रहा है।
उनको ये वजह ही नहीं मालूम थी कि अल्लाह के रसूल ने क्यों पहुंचाया है। बीमार हो गए थे, बहुत बीमार हो गए। एक दिन सुबह सवेरे कजाए हजत के लिए जब बाहर निकली तो उनकी फूफी साथ में थी। जंगल में जाने लगी तो फूफी साथ में चली कजाए हजत के लिए ले जाने। वापसी में उन्होंने पूछा कि आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ मदीना में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि फूफी, मुझे तो कुछ इल्म नहीं है, मैं नहीं जानती हूं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा इल्जाम तुम पर लगाया गया है, मुनाफिकीन ने लगाया है। अब सोचिए क्या कैफियत हुई होगी। एक पाक दामन खातून है, पाकीजा खातून है, जिन्होंने जिंदगी में कभी गुनाह का तसव्वुर नहीं किया है, और इतना संगीन इल्जाम लग रहा है कि किसी गैर मर्द के साथ उनको मंसूब किया जा रहा है। जैसे ही सुनी गश खाकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जाहिर बात है कि एक ऐसी खातून जिसने ये गुनाह ना किया हो, गैरतमंद और गयूर खातून हो, कैसे बर्दाश्त कर सकती है। उनको उठाकर लेकर आई घर पर, होश में लाया गया। मां बाप दोनों रंजीदा हैं, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी आप ये सोचिए, मां बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी कि हमने अपनी बेटी अल्लाह के रसूल के हक में दी है और बेटी के साथ ये हो रहा है, ये इल्जाम लग रहा है। कहां तक मां बाप सब्र करते। अगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फैसला कर लिया कि आज के बाद से मैं अपने खालाजात भाई को वजीफा नहीं दूंगा, तो ये फितरी था, ये नाजायज नहीं था, फैसला था, कर लिया। लेकिन वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया है, जो ये जानता है हकीकत हाल क्या है, वो साले मोमिनीन की इज्जत का मुहाफिज है। कैसे हिफाजत करना है अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब जानता है। वही नाजिल हुई, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की बरात में आयत लेकर आ गए कि ये पाक दामन है, इनसे कोई गुनाह सरसद नहीं हुआ है। जाहिर है खुशी की बात थी। जब ये आयत नाजिल हुई और बरात नाजिल हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत भी साथ में नाजिल फरमाई थी, जो अभी आपने सुनी थी, सूरह नूर की आयत नंबर 22। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वला यातल उलुल फजल मिनकुम दू साअतिन सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सुना, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है जिनको अल्लाह तआला ने नवाज रखा है, दौलत से माला माल कर रखा है, उन लोगों को ऐसी कसमें नहीं खाना चाहिए कि वो गुरबा का, फुकरा का, मुसाफिरों का, रिश्तेदारों का हक उनसे रोक ले, ऐसी कसम नहीं खाना चाहिए। वल याफू वल यस्फू, बल्कि उन्हें यह चाहिए कि उनको माफ कर दे, दरगुजर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहे हैं, आगे क्या फरमाता है, अला तुहिब्बुना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे? अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला, रहम करने वाला है। आयत नाजिल भी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, फरमाया अल्लाह के रसूल ये आयत मेरे बारे में नाजिल भी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे कह रहा है और मैं ये चाहूंगा कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं ये चाहूंगा कि अल्लाह मुझे बख्श दे, आज से मैं मिस्ता का वजीफा दोबारा जारी करता हूं, मैं अपनी कसम तोड़ता हूं। सोचिए एक लम्हे में अपने उस फैसले को और उस कसम को अल्लाह के इस एक इशारे पर तब्दील कर दिया, रिश्तेदारी को दोबारा बरकरार रखा। यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ करता है रिश्तेदारियों को जोड़ने पर। हम में से अगर कोई भाई अगर किसी से नाराज है या कोई उससे कोई नाराज है, इस आयत करीमा की रोशनी में,
यह आयत लेकर जाए यहां से, इस आयत को याद कर ले, जहन में बिठा ले कि अब उसको सारी गलतियों को माफ करना है और भुला देना है, दरगुजर कर देना है। क्यों? इसलिए कि इसी में भलाई है और अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा। सोचिए हम कितने, क्या हम बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं? क्या हमें उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर देगा? अगर हम अपने अमलों का जायजा लें, अगर अपने नामे अमाल का मुहासबा कर लें, तो हम यही कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमारी बख्शिश नहीं होने वाली है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज वो यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा, कि आज सुबह से शाम तक हम न जाने कितने गुनाह करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितने हुकूक की पामाली करते हैं, हम अल्लाह की इबादतों से दूर हैं, उसके दीन से दूर हैं, उसके कलाम से दूर हैं, उसकी मस्जिद से दूर हैं, सारी खराबियां हमारे अंदर हैं। इन खराबियों को हम कैसे दूर करेंगे, ये खामियां हमसे कैसे अलग हों? ये एक रास्ता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शने वाला है अगर हमने रिश्तेदारी को जोड़ लिया। रिश्तेदारियों को अगर हमने छोड़ लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी सारी खताओं को माफ कर देगा। अगर हमने गाली दी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा। हमने किसी गीबत की होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा। हमने झूठ कहा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देगा। सारी कोताहियां गलतियां अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके जरिए से माफ कर देगा। अला तो ही बोन आई फिर अल्लाह, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, तुम्हें माफ कर दे? हमें भी अबू बकर की तरह खड़े होकर कह देना चाहिए कि हाँ, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे। और जब ये चाहते हैं तो हम अपने नाराज भाई को मिला ले, नाराज रिश्तेदार को करीब कर ले, उससे मिलकर गले लग जाए और उसको बुला ले और अपनी रिश्तेदारियों को कायम कर दे। ये इस मजलिस का पैगाम है और इसी के लिए ये मजलिस बुलाई गई है। एक रिवायत और है, अल्लाह के रसूल हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जमाने जाहिलियत में जहां कुफ्र था, शिर्क था और सारे गुनाह होते थे, बहुत सारी खराबियां थी, मैं कुछ अमल करता था, रिश्तेदारियों को जोड़ता था, गुलामों को आजाद करता था, सदका और खैरात करता था, ये हालत शिर्क में मैं करता था। हल ली फीहा मिन अजरिन, अल्लाह के रसूल, क्या है उसका मुझको अजर मिलने वाला है जो जमाने जाहिलियत में मैं करता था? अभी आपने शुरू में सुना है, शिर्क के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक अमल को बर्बाद कर देता है। अगर कोई शिर्क करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक अमल को बर्बाद कर देता है। वो कहते हैं कि हालत शिर्क में मैं ये करता रहा, सदका और खैरात करता था, गुलामों को आजाद करता था, रिश्तेदारियों को छोड़ता था, क्या अब उसका बदला मुझे मिलने वाला है, अजर है या नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्लमता अला मा सलफ मिन खैरिन, तूने जितनी भलाइयां की थी उन भलाइयों पर बरकरार रहकर तूने इस्लाम कबूल किया है, तो अब उसमें अजर क्यों नहीं मिलेगा? तूने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा, इन्नल इस्लाम यहतिमु मा काना कबलहू, कबूल इस्लाम से पहले के जितने गुनाह हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देता है, वो इस्लाम उसको ढा देता है, तो नेकियां तो बरकरार रहने वाली है। यानी हालत शिर्क में भी अगर किसी ने सिला रहमी की है, वो रिश्तेदारियों को छोड़ता रहा है, बाद में मुसलमान हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अजर को बरकरार रखेगा। और यहां ये है, अगर हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, नमाज रोजा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन साथ में शिर्क कर रहे हैं, तो सारे अमल बर्बाद हैं, सारे अमल बर्बाद। ये फर्क है, इसको समझ लीजिए। वो हालत शिर्क में किया जाने वाला अमल था, नेक था, लेकिन अल्लाह ने उसको बरकरार रखा इस्लाम कबूल करने की वजह से। हम इस्लाम कबूल करने के बाद इबादत कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सदका और खैरात कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे अमलों को
बर्बाद कर रहा है। लैन अशरक तलाबतन अमल नबिया के बारे में कहा वलैन अशरकू लयहबतन अमालहुम। 18 नबियों का तस्किरा अल्लाह ने किया एक साथ नाम के साथ साथ, नाम के साथ 18 नबियों का, और आखिर में यह कहा अगर इन सारे नबियों ने भी शिर्क किया होता तो इनके सारे अमल बर्बाद हो जाते। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है लेकिन एक मुशरिक इस्लाम कबूल करने से पहले सिला रहमी कर रहा था, सदका कर रहा था, गुलामों को आजाद कर रहा था, इस्लाम कबूल करने के बाद उसका अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है। यह फर्क है, इसको आप सामने रखिए। हम रिश्तेदारियों में हम बहुत ही कोताही कर रहे हैं, हमारे अंदर दूरियां हैं, एक दूसरे से नफरत है, हसद है, अदावत है, बुग्ज है, इनाद और दुश्मनी है, बहुत सारी चीजें हम अपने मुआशरे में पा रहे हैं। अल्लाह के लिए हम अपने दीन और अपने मजहब की इन पाकीजा तालीमात को सामने रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे क्या चाहता है? या तो हम उसका हक अदा करें और उसके साथ उसके बंदों का हक अदा करें। दो हक अल्लाह का, दो हक बंदों का। दो हक ये कि उसकी इबादत में अपनी जिंदगी गुजारे इस शर्त के साथ कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए और नमाज कायम करते रहे। यही दो बुनियादी इबादत है, दो दो चीजें हैं। अंताबुदल्ला में सारी इबादतें आ गई, उसमें नमाज भी है, उसमें रोजा भी है, जकात भी है, हज भी है, सारी इबादतें आ गई, लेकिन खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज का तस्करा किया है, इसलिए कि इन सारी नमाजों में सबसे महबूब इबादत अल्लाह के यहां नमाज है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है नमाज का दिया है। अंबिया इकराम के सारे नबियों का तस्करा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, कहीं वजाहत के साथ, कहीं पोशीदा तौर पर इशारों में कि अंबिया इकराम नमाज अदा करते थे, नमाजें पढ़ते थे। सारे नबियों के बारे में आप देखिए नमाजें पढ़ते, नमाज अल्लाह की सबसे महबूब इबादत है। हम इसी में कोताही कर रहे हैं, दीगर इबादतों में छोड़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारी आयतें आपने सुनी थी अभी जो मौलाना ने पढ़ी थी, सारी आयतों में यही है कि अल्लाह की इबादत करो और वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो, अल्लाह के इबादत करो और वालदैन के साथ हुस्ने सुलूक, ये भी सिला रहमी का ही एक हिस्सा है, बल्कि सिला रहमी का सबसे बुनियादी हिस्सा यही है। सिला रहमी का यानी रिश्तेदारी को छोड़ने का सबसे बुनियादी नुक्ता माँ बाप के साथ शुरू होता है, उसके बाद दूसरे रिश्तेदार आते हैं। उसके जिम्न में बहुत सारी आदीस हैं, सहाबा इकराम पूछते हैं कि उसने सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया तुम्हारी माँ। बार बार सवाल कर रहे हैं, तीन दफे पूछा, तीनों दफे यही कहा कि तुम्हारी माँ, फिर उसके बाद सुम्मा अबू, फिर उसके बाद तुम्हारा बाप। ये अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा इकराम आ रहे हैं, पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल जिहाद में जाना चाहता हूं, जिहाद एक अफजल इबादत है जब उसका मौका हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा हाँ जिंदा हैं, जाओ उनकी खिदमत करो, ये उससे ज्यादा अफजल है, इसलिए कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी उनकी खिदमत कर ले, उनके हर तरीके से राहत पहुंचा दे, कोई तकलीफ ना हो, ये जिहाद से ज्यादा अफजल है। ये हुस्ने सुलूक, ये सिला रहमी माँ बाप के साथ, सैकड़ों हदीसें आप सुन देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो सिर्फ उस एक अमल के जरिए से कितनी बड़ी मुसीबत से निजात दिला दी थी। कितनी मरतबा आपने बारह खुतबों में आपने सुना है बनू इसराइल का वाकया, सही बुखारी और मुस्लिम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया सिर्फ इस एक अमल से माँ बाप के साथ उसने सुलूक, माँ बाप के साथ सिला रहमी, इसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला मुसीबत से निजात देता है और उनकी दुआ को कबूल करता है। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि घर वालों के बारे में, सफर में थे, बारिश होने लगी, तूफानी बारिश से बचने के लिए गार में पना ली, ऊपर से एक बड़ी चट्टान आई और उस दहाने पर रुक गई, पूरा गार बंद हो गया, बाहर नहीं निकल सकते थे और चट्टान भी हटा नहीं सकते थे। अब क्या करें? जाहिर है कि जिंदा दफन होना कोई पसंद नहीं करेगा। उन लोगों ने आपस में तय किया कि अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं, और दुआ भी कैसी कि जो सबसे ज्यादा अच्छा अमल हमने किया हो वो अल्लाह की जनाब में पेश करते हैं।
कि अल्लाह तेरी रजा की खातिर हमने ये किया है, अगर तुझको ये अमल पसंद है तो इसके बदौलत हमारी दुआ को कबूल कर और इस मुसीबत से निजात दिला दे। तीनों ने दुआएं की। एक ने कहा कि परवरदिगार तू जानता है मेरा एक मुलाजिम था, रोजाना मेरे पास काम करता, उसको मैं रोज उसकी उजरत देता, वो चला जाता। एक दिन किसी वजह से मुझसे नाराज हुआ और उजरत लिए बगैर चला गया और मैंने उसकी उजरत को अपने कारोबार में लगा दिया, उसमें बहुत बरकत हो गई। बरसों बाद वो दोबारा वापस आया और अपनी उजरत मांगने लगा, तो मैंने सोचा कि उसकी उजरत से ये सारा कारोबार फैला है। मैंने कहा कि जा इस मैदान में, इस वादी में जितने जानवर, बकरियां और जानवर हैं, ये सब तेरे हैं, सब तू लेकर चला जा। वो कहने लगे कि मेरा इतना सारा कहां से आ गया, मैं तो एक दिन मैंने मजदूरी की थी और जितनी मजदूरी मेरी थी उतनी मुझको दे दो, मेरे साथ मजाक मत करो। मैंने कहा कि नहीं, ये सब तेरा है, जो तेरा तेरी उजरत थी ये उसी से हासिल की हुई, उसी की कमाई है, ये तू लेकर जा। वो खुशी खुशी लेकर चला गया। परवरदिगार तो जानता है कि मैंने सिर्फ तेरी रजा की खातिर ये किया है, तेरी खुशनुदी के लिए मैंने ये किया है, और अगर मेरा ये अमल सच्चा है और सही है और तू इसको कबूल करता है तो परवरदिगार इसके जरिए से इस पत्थर को हटा दे। वो चट्टान थोड़ी सी सरक गई लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं निकल सकते थे। दूसरा खड़ा हुआ, दुआ करने लगा, परवरदिगार तू जानता है मेरी एक चचाजात बहन थी, मैं उसको बहुत चाहता था, मैंने कई बार कोशिश की कि उसको गुनाह पर आमादा किया लेकिन वो गुनाह पर आमादा नहीं हुई। एक दिन वो मजबूर होकर मेरे पास आई, कुछ तंगी थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसने मुझसे कर्ज मांगा। मैंने इस शर्त पर उसको कर्ज दिया कि वो मेरी जरूरत को पूरी कर दे, मेरे साथ वो गुनाह पर आमादा हो जाए। वो बहुत मजबूर थी, बहुत मजबूर होकर उसने इस शर्त को कबूल कर लिया और वो रकम लेकर चली गई। वक्त मुकर्रा पर जब हम दोनों एक जगह मिल गए और उस शर्त को हमने पूरा करना चाहा जिस पर मैंने उसको रकम दी थी, गुनाह के वक्त जब दुनिया सो रही है, सारे लोग नींद की आगोश में है, कोई देख नहीं रहा है, उस अल्लाह की बंदी ने नसीहत की, क्या अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर, यह अल्लाह की अमानत है, इसके हक को तू मत तोड़। मैंने उसकी बात को सुना, डर पैदा हुआ और उस गुनाह से पास आ गया और मैंने उसको जो रकम दी थी उसको माफ भी कर दिया। परवरदिगार ये अमल सिर्फ तेरी रजा की खातिर था, अगर मेरा ये अमल सही था, तूने इसको कबूल किया है तो इसकी बदौलत इस पत्थर को हटा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की, पत्थर थोड़ा सा सरक गया। तीसरा खड़ा हुआ, उसने कहा कि परवरदिगार तू जानता है मेरे माँ बाप थे, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं रोजाना जंगल में जाता हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, जो मिलता है रात में शाम को लेकर आता हूं, पहले मैं अपने माँ बाप को खाना देता हूं, उनको दूध पिलाता हूं, उसके बाद अपने बीवी बच्चों का पेट भरता हूं। एक दिन किसी वजह से मुझको ताखीर हो गई, जंगल में मैं बहुत दूर तक चला गया और जब मैं घर वापस आया तो माँ बाप सो चुके थे, भूखे प्यासे सो गए थे। मैंने एक प्याले में दूध लिया और उनके सिरहाने खड़ा हो गया, मेरे कदमों में बच्चे तड़प रहे थे, मुझसे दूध मांग रहे थे, मुझसे खाना मांग रहे थे, लेकिन परवरदिगार तू जानता है मैंने अपने माँ बाप से पहले अपने बच्चों का कभी पेट नहीं भरा था। मैं सोचने लग गया कि मेरे माँ बाप भूखे सो रहे हैं, मैं अपने बच्चों को कैसे पिलाऊं, लेकिन यह भी नहीं चाहता था कि मां बाप की नींद में खलल हो, वो नींद से बेदार हो जाए, आराम में रखना पड़ जाए, मैं उनको जगाना भी नहीं चाहता था। परवरदिगार रात गुजर गई, उनके सिरहाने में दूध का प्याला लिए खड़ा रहा, बच्चे मांगते रहे लेकिन मैंने उनको दूध नहीं दिया। जब मां बाप बेदार हुए मैंने पहले अपने मां बाप को पिलाया उसके बाद बच्चों को दिया। परवरदिगार मेरा यह अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए था, तेरी खुशनुदी के लिए था,
अल्लाह अगर तू इसको कबूल करता है तो इसकी बदौलत इस पत्थर को हटा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चट्टान को सरका दिया, तीनों बहिफाजत बाहर आ गए। क्या चीज है, हम अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्या बयान करने की जरूरत है? हर कोई जानता है आज माँ बाप कितने परेशान है, मजबूर है। बेटा आज अपने बीवी बच्चों में मगन है, माँ बाप को भुला चुका है। बीवी जैसा चाहती है शोहर वैसा कर रहा है, और माँ बाप की ख्वाहिशात दफन हो चुकी, माँ बाप की ख्वाहिशात उनके दिलों में दफन हो रही है, दम तोड़ रही है। वो तरस रहे हैं कि बेटा उनसे मोहब्बत से मिले, उनके साथ उसने सुलूक से पेश आए। माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटा उनके सामने खिदमत के लिए खड़ा रहे, लेकिन बेटा अपने बीवी बच्चों में लगा हुआ है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है, ये हमारे इस उम्मत का इंतहाई अफसोसनाक वाकया, शर्म आती है हमें बताते हुए। एक नौजवान अपनी माँ को दवा खाने में लेकर गया डॉक्टर साहब के पास, बीमार है, कमजोर है, लागर है, बूढ़ी माँ है, दवा खाना लेकर चला गया। क्या कहता है डॉक्टर साहब, बस ऐसे ही कुछ दवा गोली दे तो, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बहुत महंगी दवा मत लिखना, बहुत ज्यादा कीमती दवा मत देना। जो उस दवा डॉक्टर की फीस है 10-20 रुपया 25 रुपया, उसमें वो दवा लेकर चला आया। दूसरे दिन अपनी बीवी को लेकर पहुंचा उसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ये बहुत कमजोर हो गई है, बहुत बीमार है, कोई अच्छी सी दवा लिख दो, कोई बहुत अच्छा टॉनिक लिख दो, इसको ताकत आ जाए। देखिए ये फर्क हमारा, माँ बाप के साथ इस नौजवान का रवैया और अपनी बीवी के साथ उसका ये तरीका। हम कहां जा रहे हैं, क्या हम सिला रहमी इस बुनियाद पर करेंगे जहां हम अपने माँ बाप को छोड़ दें, जहां हम अपने माँ बाप को तड़पता हुआ और नाराज छोड़ दें? अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी नहीं होगा जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे। अगर माँ बाप नाराज है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी नहीं हो सकता है। ये सुन लीजिए कि अगर माँ बाप की जुबान से, बाप की जुबान से अगर कोई आह निकल गई, बद्दुआ निकल गई, तो उसके कबूल करने में अल्लाह के दरमियान और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, बारहा हमने सुना है, जुरैश का वाकया, बहुत आबिद और जाहिद इंसान, बड़ी इबादत करने वाले, दुनिया के लोग गुनाहों में डूबे हुए थे, दुनियादारी में लगे हुए थे, ये अकेले अल्लाह की इबादत कर रहे थे, इनकी इबादत में खलल हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं इस दुनिया में रहकर इबादत कैसे करूंगा, लोग गुनाह कर रहे हैं, जंगल में कुटिया बना ली, वहां अकेले तन्हा अल्लाह की इबादत में लगे रहे, इबादतें कर रहे हैं। वो इबादत आज हमारे दीन में जायज नहीं है, ये उस वक्त थी बनू इसराइल में, आज इस शरीयत ने इसको जायज नहीं रखा है। चले गए जंगल में इबादत कर रहे हैं। एक दिन मां पहुंच गई, जुरैज नमाज पढ़ रहे हैं, देखिए नमाज का तस्करा इसमें भी, नमाज पढ़ रहे हैं, मां ने बाहर से आवाज दी। जुरैज कहते हैं कि परवरदिगार, एक तरफ तेरी इबादत, एक तरफ मां की आवाज, मैं क्या करूं, मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, उधर मां बुला रही है, और दोनों का हक है। मैं ये सोचता रहा, मां ने आवाज के बदले में जब मेरा जवाब नहीं पाया चली गई, अब मैं अपनी इबादत में लगा रहा। दूसरे दिन फिर आई, फिर उसने आवाज दी, फिर मैं नमाज में ही मसरूफ रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, चली गई। और जब तीसरे दिन भी यही हुआ और मैंने जवाब नहीं दिया तो उसकी जुबान से बद्दुआ निकल गई, परवरदिगार इसको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कोई औरत इसकी तरफ गलत इल्जाम ना लगा दे। जुबान से बद्दुआ निकल गई मां की जुबान से और चली गई। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह दुआ कैसे कबूल कर ली। कुछ ही दिनों के बाद जब लोगों में यह शोहरा हुआ कि जुरैज़ इंतहाई मुत्तकी परहेजगार आबिद और जाहिद आदमी है, शैतान भी नहीं बहका सकता है,
कोई उसको वरकला नहीं सकता है। एक बदकार औरत खड़ी हुई, मैं उसको बदकारी पर आमादा कर सकती हूं। जंगल में आ गई, बन संवर कर और खूबसूरत बनकर उसके सामने आ गई, गुनाह की दावत दी। जुरैद ने इनकार कर दिया, भगा दिया, उसको कबूल नहीं किया। नेक थे, मुत्तकी परहेजगार थे और हकीकी अल्लाह की इबादत करने वाले थे, उसके झांसे में नहीं आए। ये मुसलसल कोशिश करती रही, लेकिन जुरैद ने उसको कबूल नहीं किया। इसने क्या किया, उसी इलाके के किसी चरवाहे से उसने ताल्लुक कायम कर लिया और उसके जरिए से उसको बच्चा पैदा हुआ। बच्चे को लेकर कौम में पहुंच गई, लोग पूछने लगे आखिर ये किसका बच्चा है। उसने कहा कि ये जुरैज का है। कौम को बता रही है कि ये जुरैज का बच्चा है। अब पूरी कौम भड़क गई, यानी ये इबादत का ढोंग रचाता है, ये जंगल में कुटिया बनाकर ये एक ढोंग कर रहा है कि वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, यानी अंदर इतना घिनौना अमल कर रहा है। उसकी बात को लोगों ने सच माना, आए और उसकी कुटिया को तोड़ दिया, तबाह कर दिया, उसको मारा पीटा। जुरैद ने कहा कि आखिर बताओ तो मेरा जुर्म क्या है। लोगों ने कहा कि तुमने इबादत का ढोंग रचाया और इसे ऐसा ऐसा गुनाह किया है, यह औरत बता रही है कि ये तुम्हारा बच्चा है। जुरैद ने कहा कि ठीक है, उस बच्चे को लेकर आओ। बच्चा अभी गोद में था, छोटा सा बच्चा। जुरैद ने पूछा कि बता तेरा बाप कौन है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां अपने माँ, एक माँ की दुआ को, बददुआ को कबूल कर रहा है, वहीं पर अपने नेक बंदे की हिफाजत भी कर रहा है, उसकी इज्जत और नामूस के हिफाजत का भी जामिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे की जुबान में कुव्वत गोयाई अता कर दी। फौरन वो बच्चा बोल उठा के फलवा चरवाहा मेरा बाप है। सारे लोगों के सर झुक गए अकीदत और एहतराम में। ये बदकार औरत थी, इसने झूठा इल्जाम लगाया था, और ये ऐसी ऐसी औरत थी, हमने खामखा एक इसको इतनी तकलीफ में डाल दिया। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, अब तुम कहो हम इसको महल बना देते हैं, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने आप नहीं, जैसी थी वैसी ही कर दो, बस ये कुटिया, ये झोपड़ी जैसी थी वैसी ही बना दो, बस मैं यही चाहता हूं। लेकिन ये सुनते जाओ, ये मेरे साथ ये आखिर ये क्यों हुआ। हजरत जुरैज ने यह बयान किया, असल वाकया यह है कि 3 दिन मेरी मां आई, मुझको आवाज दे रही है और मैं अल्लाह की इबादत में लगा रहा और उसको जवाब नहीं दिया। मां की जुबान से बद्दुआ निकल गई और ऐसी ही बद्दुआ थी जो ये तुम लोग देख रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, सिला रहमी अगर हमें करना है तो सबसे पहले बुनियादी चीज माँ बाप का हक, माँ बाप की रिश्तेदारी है, उनके साथ हुस्ने सुलूक। बेशुमार आयतें हैं आपको मिलेंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के साथ उसको शामिल कर दिया है, अपनी इबादत के साथ इसको शामिल किया है कि माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया जाए। वह कसा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्लाइया, यह अल्लाह ने फैसला कर दिया है कि उसकी इबादत करो, और वबिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ उसने सुलूक से पेश आओ। सोचिए अल्लाह की इबादत में और वालिदैन के साथ उसने सुलूक में क्या इलाका हो सकता है, क्या ताल्लुक हो सकता है। एक तरफ अल्लाह अपनी इबादत का हुक्म दे, फैसला सुनाए कि यह मेरा फैसला है, और उसके बाद यह फैसला यह है कि वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो। कुल तआलौ, देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है सूरह अनाम में, قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا। اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آؤ آؤ میں تمہارے پاس اللہ کی وہ آیت سناتا ہوں، اس کی تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تم پر حرام کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ आगे सूरह बनी इसराइल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वकसा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तारीफ सिर्फ इतना नहीं कह रहा है कि तुम अपने माँ बाप के साथ उसने सुलूक से पेश आओ, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तालीम दे रहा है कि हुस्न सुलूक में क्या चीज शामिल है, कौन सी चीज उसके उसका तकाजा कर रही है। एक पहली चीज क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुस्न सुलूक का सबसे पहला तकाजा ये बयान करता है, वला तकुल लहू मा उफ, उनको उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। ये उफ क्या चीज है, अगर माँ बाप हमसे नाराज हो जाए, हमें कुछ कह दें, हमारी पेशानी पर बल आ जाए और हम ऊ कहकर नाराजगी का इजहार करके हट जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि ये मत करो, सिर्फ उफ कहकर नाराजगी का इजहार भी मत करो, इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोका है। उसके बाद वला तनहर हुमा, उनको झिड़कियां मत दो, वकुल लहुमा कौलन करीमा, बड़े अदब व एहतराम के साथ उनसे बात करो। ये तीन चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न सुलूक में बयान की, और कब, जब दो से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं। बुढ़ापे में जब अक्ल माउफ हो जाती है, आदमी अपने समझ खो बैठता है, अब कुछ का कुछ सोचता समझता रहता है और उस कैफियत में उसकी जबान से कुछ भी निकलता रहता है, कभी बिला वजह भी नाराज हो जाते हैं, बेटे की कोई गलती नहीं होती है उसके बावजूद माँ बाप नाराज हो जाते हैं और कुछ ज्यादतियां कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि वला तकुल लहुमा उफ, ऐसी पोजीशन में भी तुम उफ तक ना कहो, अगर वो ज्यादती कर रहे हैं तब भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था, वइन ज़लमा वइन ज़लमा वइन ज़लमा, तुम्हारे हुस्न सुलूक के मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर वो तुम्हारे साथ जुल्म करे, अगरचे जुल्म करे, अगरचे जुल्म करे, हमारे माँ बाप हमारे साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम उनसे नाराज हैं, इसलिए कि वो हमारी बीवी से नाराज है, बीवी हमारी बीवी उनकी खिदमत नहीं कर रही है, हमारी बीवी उनका कहना नहीं मान रही है, वो नाराज है, तो अब बेटा भी अपने माँ बाप से नाराज है, वो मेरी बीवी को क्यों नहीं चाहते हैं, ये मेरे बीवी को क्यों बुरा भला कहते रहते हैं, माँ बाप से नाराज। सारे नौजवान दोस्तों से साथियों से ये अदबन गुजारिश है, चाहे माँ बाप कुछ भी जुल्म क्यों ना करें, लेकिन उनके इस एहसान को हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते, जो बचपन में हमारे साथ उन्होंने किया है, एक माँ का एहसान पूरी जिंदगी हम अपने कंधों पर रखकर उसको घुमाते रहे, खिदमत करते रहे, हज कराते रहे, उसके बावजूद उसका हक नहीं अदा कर सकते। सोचिए 9 महीने माँ अपने पेट में बच्चे को लेकर किस अजियत के तौर से गुजरती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में उसको बयान फरमाया है, वह वसैन अल इंसान अब वालिदैहि हमलत हो उम्मुहु वहनन अला वहनिन, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है वह फिसालुहु फी आमैन, यानी तकलीफ पर तकलीफ उठाते हुए अपने बच्चे को पेट में लिए हुए घूम रही है और उसकी परवरिश कर रही है, और जब वो पैदा हो गया तो 2 साल तक उसको अपने सीने से उसकी गिजा भी फराहम कर रही है, उसको दूध भी पिला रही है। सोचिए कितना बड़ा एहसान है, सारे नौजवान सिर्फ इस एक मरहले को अपनी निगाहों के सामने रखे, अपनी जिंदगी की वो इब्तदाई अय्याम जो माँ के हाथों में गुजर रही है, माँ अपने हाथ में लेकर गुजार रही है, उन अय्याम को हम सिर्फ सामने रखें और कभी अपनी माँ को फरामोश ना करें। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है वला तनहर हुमा, अब उफ ना कहना, ये तो अल्लाह ने कहा तो अब झिड़कियां ना देने का हुक्म क्यों दे रहा है, उनको झिड़को भी मत, जब उफ नहीं कहना है तो झिड़की कौन देगा, झिड़की एक बहुत संगीन जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। कितने नौजवान है हमारे आज बदकिस्मत है, बदनसीब है, जो अपने माँ बाप को बुरा भला भी कह देते हैं, बास तो गालियां भी दे बैठते हैं, और फिर इससे बड़े बदकिस्मत जो हाथ भी उठा बैठते हैं, माँ बाप को मार भी देते हैं। सोचिए अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बख्श देगा, जो एक माँ की दुआ को कबूल कर लेता है, एक आने वाहिद में एक माँ की बददुआ को कबूल कर लेता है, तो ऐसी नाराज माओं के अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या उनकी औलाद से अल्लाह खुश रहेगा, क्या अल्लाह राजी होगा।
हमें हमेशा ये सोचना चाहिए अल्लाह कैसे राजी हो। माँ अगर राजी है तो अल्लाह राजी रहेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा वकुल लहुमा कौलन करीमा, बहुत अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू करना चाहिए। माँ बाप अगर कुछ कहे बेटा ये करो बेटा वो करो तो सर झुका देना चाहिए। हाँ माँ बाप कह रहे हैं, हाँ अगर नाफरमानी का गुनाह का कोई काम है तो फिर तो नहीं करना है, ये इसमें समझौता नहीं है। अगर माँ बाप कहे कि ये गुनाह करो ये शिर्क करो, नहीं फला जगह से तावीज लेके आ जाओ, फला बाबा को बुलाकर झाड़ फूक करा लो, तो ये तो नहीं करना है। फला दरगाह पर चले जाओ, माँ बाप लाख कहें वो नहीं करना है। ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, किसी भी मखलूक की इताअत खालिक की नाफरमानी में जायज नहीं है। तो माँ बाप की भी इताअत उसमें नहीं है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वक्फिज लहुमा जनाहत ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके लिए अपने बाजुओं को रहमत के बाजुओं को फैला दो। बुढ़ापे में है अब वो हमारे लिए हम उनके लिए सहारा बन रहे हैं, वो हमारी मदद के मोहताज हैं, अब उनके ऊपर हम अपने रहमत के बाजू फैला दें। बचपन में उन्होंने अपने लिए अपने रहमत के बाजू फैला रखे थे, अब वो हमारे मुस्तहिक हैं, मोहताज हैं, अब वो हमारी तरफ नजरें उठाए हुए हैं, तो हम अपने बाजुओं को उनके ऊपर फैला दें। सोचिए एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा अभी गोद में है, बीमार पड़ता है तो तड़पती है, रात भर उसके लिए अपनी नींद हराम कर लेती है, बच्चा पेशाब कर देता है, बिस्तर गीला हो जाए वो खुद गीले में सो जाएगी लेकिन बच्चे को सूखे में सुलाएगी। सोचिए क्या ये हालात, ये हकीकत, ये सच्चाई है या नहीं है? हर कोई जानता है, खुद वो नौजवान सोचे जो बीवी बच्चों वाला है, उसकी बीवी उसके बच्चों के साथ क्या करती है, जरा इस पर नजर डालकर देख ले। खुद उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ क्या कर रही है ये सोचे कि उसकी माँ उसके साथ क्या कर रही थी। बस जब इस पर हमारी नजर बैठ जाएगी, इस पर नजर ठहर जाएगी, तो हमें अपनी माँ का मकाम मालूम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सिला रहमी करेंगे। माँ का रिश्ता जो मुकद्दस रिश्ता है, इसमें कभी भी कहीं भी दरार ना पड़ने पाए, कहीं माँ नाराज ना होने पाए, कहीं बाप नाराज ना होने पाए। बाप भी वैसे ही मुस्तहिक है, बाप ने भी हमारे लिए सब कुछ किया है, दिन भर मेहनत मजदूरी करता रहा, तगो दो करता रहा। आप देखिए आज एक बाप अपने बच्चे के लिए, अभी अगर बच्चे छोटे छोटे हैं तो कितनी मेहनत करता है, किसके लिए करता है? या तो वो अपने माँ बाप का पेट पालेगा या तो अपने बीवी बच्चों के लिए कमाई करेगा। बाप यही करता है, बेटा जब तक बड़ा नहीं हो जाता है उसकी तालीम का खर्च बाप उठाता है, उसकी रोजी रोटी के लिए इंतजाम करता है, उसके अच्छे कपड़े का इंतजाम करता है, उसके रहने के लिए अच्छे मकान का इंतजाम करता है। बाप ही है जो सब कुछ करता है कि दुनिया जहां से जमा करे और उसके लिए आसाइश, बच्चा जो चाहता है बाप लाने के लिए तैयार बैठा रहता है। माँ बाप का यही रहता है कि बच्चे की ख्वाहिश हो, बच्चा छोटा है खिलौने के लिए जिद करता है, माँ बाप चाहते हैं कि खिलौना लाकर दे दें। कितने गरीब माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते हैं, बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते हैं और दिल ही में कुड़ते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। घर आकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर आकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, वो अपने बच्चे के लिए मिट्टी के खिलौने भी नहीं ला सके थे, उसके लिए घर आकर रो रहे हैं। ये कैफियत है माँ बाप की, तो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक ये सिला रहमी का पहला कदम है। फिर उसके बाद बीवी बच्चों के हुकूक, भाइयों के हुकूक, बहनों के हुकूक और इन सारी रिश्तेदारियों को निभाना है, इसी का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है। और जब हम ये करेंगे तो जन्नत हमें मिलेगी। अगर हमने इसमें कोताही की, हमने इसकी अहमियत को नहीं समझा, तो यकीन जानिए सिला रहमी को हमने समझा ही नहीं है, रिश्तेदारी को हमने समझा ही नहीं है, या फिर हमने अपने दीन को नहीं समझा है, हमने अपने मजहब को नहीं समझा है। और अगर समझा है, इस पर अमल नहीं किया, तो हमने अपने दीन को पामाल किया है और दीन की तालीमात को हमने अपने पैरों तले रौंद दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इससे बचाए, हमें इस बात की तौफीक दे कि परवरदिगार रिश्तेदारियों को कायम करने में हम पहल करें।
रब्बुल आलमीन, अगर हमारा कोई भाई कोई रिश्तेदार हमसे नाराज है, परवरदिगार उसको हमसे राजी कर दे। परवरदिगार कोई हमसे दूर है, हमसे उसको मिला दे। रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अपने भाई को अपने भाई को मिला सके, जोड़ सके। रब्बुल आलमीन इस बात की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब के अंदर मोहब्बत और उल्फत पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन खानदान को एक कर दे। सिला रहमी से खानदान में मोहब्बत पैदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक खानदान में मोहब्बत और उल्फत सिला रहमी से पैदा होती है। परवरदिगार पूरी खानदान में मोहब्बत और उल्फत इस सिला रहमी के जरिए से पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रख, इज्जत और एहतराम के साथ इस्लाम पर जिंदा रख, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर खात्मा हो। आमीन। अकुल कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरू इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम।